हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हठयोग में हट प्रदीपिका के में जो है हमारा एक टॉपिक चल रहा था बंद के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हठयोग प्रदीपिका के अनुसार बंध। तो बंध क्या होते हैं? बंध का मतलब होता है बांधना, जो हमारी ऊर्जा होती है उसको एकीकरण करना, उसको रोकना। तो जो हमारे शरीर के अवयव होते हैं, अंग होते हैं, उनमें प्राण संचार के लिए अपने अंगों को सिकोड़ना और उसके द्वारा जो है एक ऊर्जा को रोक कर रखना ही जो है ये बंधों के द्वारा ही संभव है। तो बंध के द्वारा जो है हम अपनी शरीर की जो शरीर में जो हमें ऊर्जा लेकर आनी है उस ऊर्जा को हम किसी अंग के द्वारा रोक कर अपने शरीर में प्रवाहित कर सकते हैं। तो बंध का जो सरल शब्दों में अर्थ होता है वो होता है बांधना। ठीक है, अपनी ऊर्जा को संचरित करना। ठीक है, बंध मतलब बांधना, अपने शरीर के अंगों के जो हमारे अवयव होते हैं उनको बांध करके अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करना ही बंध कहलाता है। तो बंध जो होते हैं ये हमारे चार प्रकार के होते हैं। बंध हमारे चार प्रकार के। ठीक है, सभी ग्रंथों में जो है बंधों के बारे में यही बताया गया है कि बंध हमारे जो है चार प्रकार के होते हैं। पहला है जालंधर बंध, उड्यान बंध, मूल बंध और फोर्थ है हमारा महाबंध। तो सबसे पहला हमारा बंध है जालंधर बंध। दूसरा है हमारा उड्यान बंध। और तीसरा है हमारा मूल बंध। ठीक, और फोर्थ है हमारा महाबंध। अब हम जो है इस सबसे पहले हम जालंधर बंध के बारे में जानते हैं कि जालंधर बंध जो है कैसे लगाया जाता है और हमारे शरीर के कौन से स्थान पर लगाया जाता है। तो जालंधर बंध, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक श्लोक कहा गया है के कंठ संकोचनम, कंठ संकोचनम कृत्वा और फिर है सिद्धो नात्रम संशय, सिद्धो नात्रम संशय। ठीक है, तो इसमें जो है कहा गया है कि कंठ को संकोच करना है और इस कंठ को संकुचन करने के बाद ही जो है हमें एक सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कंठ संकोचनम मतलब कंठ का संकुचन करना होता है इसमें हमें। अब क्या है इसकी विधि के बारे में हम जानेंगे कि सर्वप्रथम जो है हम पद्मासन, सुखासन या किसी भी हम एक स्थिर आसन में कंफर्टेबल पोज में हम बैठ जाते हैं और कमर गर्दन जो हमारा मेरुदंड होता है उसको हमें सीधा रखना है। ठीक है, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए सबसे पहले अपनी श्वास और प्रश्वास की क्रिया को सामान्य बनाने का प्रयास करेंगे। सामान्य जब आपकी श्वास प्रश्वास हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है कि हम इस बंध को अंतर्मुखी भी लगा सकते हैं, अंतर कुंभक के साथ भी और बाह्य कुंभक के साथ भी। तो श्वास लेंगे और हम छोड़ देंगे। तो जैसे ही हम श्वास को छोड़ेंगे तो हमारा जो ये ठोड़ी होती है ठोड़ी को अपने हृदय अपनी छाती से हमें इस तरह से टच करनी है। मतलब जो आपका जो कंठ होता है इसको हमें बिल्कुल लॉक कर देना है कि जिससे वायु अंदर ना जा सके और ना वायु हमारी बाहर आ सके।
फिर धीरे धीरे जैसे ही आप अपने हाथों को, जो ज्ञान मुद्रा में रहेंगे आपके हाथ, अपने हाथों को आप घुटनों पर इस तरह से रख लेंगे और अपने हाथों को भुजाओं को सीधा करते हुए अपनी ठोड़ी को अपने हृदय से इस तरह से लगा लेंगे, कंधों को थोड़ा सा आगे की ओर झुका लेंगे। तो इस प्रक्रिया में जो है, इस क्रिया में आपको जितनी आपकी क्षमता है आप उतनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं और फिर धीरे धीरे जो है अपने कंधों को, अपने भुजाओं को थोड़ा ढीला छोड़ते हुए जो है धीरे धीरे जो है आप अपनी गर्दन को ऊपर उठाते रहिए, मतलब थोड़ी को आप अपना ऊपर उठा लेंगे। तो इस तरह से जो है हमें इसमें कंठ का संकुचन करना होता है जिससे कि हमारी वायु अंदर ना जा सके और ना ही बाहर आ सके, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसमें अंतरकुंभक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और बाह्य कुंभक का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें, अगर हम इसमें बाह्य कुंभक का प्रयोग करते हैं तो हमें अपने पेट की वायु को पूरी तरह से बाहर निकाल देना होता है, ठीक है, और तब हम जो है जालंधर बंद लगाते हैं। और अगर हमें अंतर कुंभक लगाना है तो हमें वायु को अंदर लेना है और फिर जो है अपने कंठ को लोक करना है, मतलब कंठ का संकुचन हमें करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको ये विधि बताई है। तो इस तरह से हम इस जालंधर बंद को जो है इन दो कुंभक के साथ में लगा सकते हैं, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपकी क्षमता समाप्त हो जाती है तो धीरे धीरे आप इस जालंधर बंद को खोल सकते हैं और अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब क्या है इसके हम लाभ के बारे में अब हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं। जब हम जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी गले के जो रोग होते हैं उन गले के रोगों में जो है ये